नमस्कार स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, जब भूख लगती है हम फूड खाते हैं, और धूप बारिश आंधी तूफान से बचने के लिए हम ईंट पत्थर सीमेंट सरिया वगैरह का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी भूख मिटाती हैं यानी फूड, जो हमारी प्यास बुझाती है यानी वाटर, और आंधी तूफान से बचने के लिए जो घर हमने जिस मटेरियल से बनाया है, ये सारी चीज़ें यानी जो हमारी जरूरियात को सेटिस्फाई करती हैं, उन सब को रिसोर्सेज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको रिसोर्स के बारे में बता ही दिया कि What is resource? Here is the definition. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs can be termed as resources. Example, मैंने आपको बहुत सारी पहले दे दी, जैसे जो जमीन है जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे सारी हमारी जो activities जमीन पे ही हैं, तो this is वन ऑफ द रिसोर्स। वाटर जो हमारी प्यास बचाता है, फॉरेस्ट ना जंगलात जिससे हम घर बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं, है ना, ये हवा और ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स जमीन के अंदर छुपी हुई जितनी भी मैदनियात हैं, ये सब की सब रिसोर्सेस कहलाती है ना। तो आप रिसोर्स को, ये जो रिसोर्स है इनको क्लासिफाई किया गया है। हेयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, इसका जो ओरिजन है कहाँ कहाँ से हमें ये मिलती है, ये रिसोर्सेज मिलते हैं जो हमारे वसाइल हैं, तो इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life. वो सारे resources जो जानदार हैं, जिनमें जान है, are called biotic resources. Example, human beings, flora and fauna, fisheries, livestock. Flora and fauna are plants and animals, are example of the biotic resources. Next one, classification on the basis of origin is abiotic resources. All those material composed of non-living things are termed as abiotic resources. Abiotic means non-living. सारा material जो non-living things से बना है उसको कहते हैं abiotic resources. Example, rocks, मेटल्स एटेस्ट्रा। घर बनाने के लिए हम जितना भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, रेत कंकर पत्थर ईंट, है ना, सरिया सीमेंट, है ना, ऑल आर द एबायोटिक रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसकी जो एग्जॉस्टिबिलिटी है, आप जानते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, है ना, जो यूज करने पे खत्म हो जाते हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल करके दोबारा से उनको फिर रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो इस बेस पे रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल आर इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। And second one is
नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो व्हाट आर रिन्यूएबल आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर प्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल केमिकल आर मैकेनिकल प्रोसेसेस, है ना. तो फिजिकल मैकेनिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के तरीके से हम जिन रिसोर्सेज को दोबारा से नया कर सकते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, उनको कहा जाता है रिन्यूएबल आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. जैसे ये विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं, नए प्लांट्स उगा सकते हैं. अगर फॉरेस्ट हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ भी वहां पे होगी, है ना. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड अदर इज नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल, है ना. तो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड एंड गेट एग्जॉस्टेड, है ना, विच कैन नॉट बी रिन्यूड. जो एक बार इस्तेमाल करने पर जिन वसायल को हम रिन्यू नहीं कर सकते और वो क्या हो जाते हैं, गेट एग्जॉस्टेड, है ना, खत्म हो जाते हैं, है ना, क्वांटिटी उनकी कम होती जाती है. तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जांपल्स मिनरल्स, जितने भी मैग्नेट हैं, ऑयल ओर है ना, जब मेटल्स जितने भी हैं जमीन के अंदर से जो निकाल जाती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है ना, एटस्टार, ये सारे के सारे मिनरल्स में आते हैं. तो मिनरल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है या एग्जॉस्टिबल, इनको हम कह सकते हैं. सेकंड एग्जांपल इज फॉसिल फ्यूल्स, है ना. फॉसिल फ्यूल्स जमीन के नीचे से, है ना, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो मटेरियल बना है सदियों से जमीन के अंदर, जिसमें हमारा ये ऑयल है, ये पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, तो ये रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे हैं, है ना, दिन ब दिन इनकी डिमांड जैसे बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, है ना, दीज रिसोर्सेज, तो दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड. तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मलकियत की बुनियाद पर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, है ना. तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, आप जानते हैं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका जिन पर लोगों का निजी हक होता है, अधिकार होता है. तो ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, है ना. तो रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी निजी, है ना, निजी तौर पे जिस चीज पर लोगों का अधिकार है, हक है ना, मलकियत है उनकी, वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. एग्जांपल जैसे लैंड, तो किसानों के पास जो जमीन है, जो उनको गवर्नमेंट ने अलॉट की है, है ना, वो उनकी निजी मलकियत है ना, उन पर उनका राइट है ना, उनका कब्जा है. तो ये हो गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज. पास्चर लैंड्स, है ना, तो कुछ लोगों की, कोई किसान जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, है ना, किसान है, फार्मर्स है, उनकी अपनी इंडिविजुअल पास्चर्स भी होती है, चरागाहें भी होती हैं, है ना, भेड़ बकरियां या माल चराने के लिए, है ना. तो ये भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज की एग्जांपल है. हाउस है या अदर प्रॉपर्टी, जितनी भी दौलत, है ना, प्रॉपर्टी, जायदाद, घर, है ना, उन पर इंडिविजुअल तौर पे उनकी ओनरशिप है, तो वो हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सेकंड वन है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना. तो नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज आप देखते हैं कि ऐसे हैं जिन पर सबका अधिकार है,
सबका हक है, साझा तौर पर जिसको हम कह सकते हैं, मुश्तरका जिसको हम कहें, है ना, रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो सब के लिए एक्सेसिबल हो, है ना, यानी हर कोई उसका उस रिसोर्स का उस मटेरियल का इस्तेमाल करे, है ना, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है विलेज कॉमन्स, गांव में आप देखते हैं, है ना, ग्रेजिंग लैंड, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल के साथ ही जो एरिया पड़ता है, जो गुटेल का एरिया है आप देख रहे हैं, है ना, शामनाथ वो चरागाह है, कॉमन है, सब गांव वाले वहां पे अपना माल मवेशी चराने के लिए छोड़ते हैं, तो दैट इज कॉमन, वो कॉमन है, तो उसको हम कह सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, वो जमीन, वो लैंड, वो पास्चर्स, है ना, जो विलेज के लिए कॉमन है, सभी विलेजर उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ग्रेजिंग लैंड का, तो वो हो गई बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। वरियल लैंड्स, वरियल लैंड्स हमारे कब्रिस्तान है, है ना, शमशान घाट है, वो भी कॉमन है। इसी तरह से आप देखते हैं पिकनिक स्पॉट्स, है ना, सैरगाहें, टूरिज्म के स्पॉट्स जो बने हैं, आर एक्सेसिबल टू ऑल, है ना, तो दैट वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। प्लेग्राउंड, है ना, खेल के मैदान, पब्लिक पार्क्स एटस्ट्रा, तो ये सब के सब, है ना, रिसोर्सेज जिनका सभी इस्तेमाल करें, सब लोग इस्तेमाल करें, है ना, वो है कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्सेज, कौमी मलकियत जिसको हम कहें, तो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज, किसी भी पॉलिटिकल कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर का जो एरिया है वो उस नेशन के क्या है, वसाइल है, है ना, रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन आर कंट्री, तो कंट्री हैज लीगल पावर टू अकायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो कंट्री है, जो देश है, नेशन है, उस पर इवन के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, है ना, जिसको हमने कहा उसको भी ऑक्यूपाई कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए। तो जैसे आप देखते हैं कि रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, डैम्स वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं और इस वक्त भी की जा रही हैं ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, है ना, जैसे हमारे यहाँ से रोड निकली है, कितने लोगों की जमीने गई है, किसानों की, है ना, तो ये क्या है, ये नेशनल रिसोर्सेज है। ऐसा करने से यानी रोड, कैनाल, रेलवे, डैम वगैरह पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें गवर्नमेंट बनाना चाहती है, बनाना चाहे तो वो बना सकती है, है ना, इस जमीन पर, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकली और ये जो मटेरियल है, ये जो रिसोर्सेज है, दीज आर द नेशनल रिसोर्सेज है, है ना। इसी तरह से ये नेक्स्ट वन, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल बेअलाकवामी, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, है ना, जिसको हम कहें विसाइल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय विसाइल, है ना, तो ये है, इसमें इंस्टीट्यूट आते हैं, है ना, विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, है ना, द ओशनिक रिसोर्स वाइल्ड अबाउट 370 किलोमीटर, तो 370 किलोमीटर के लगभग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ओशन का, बिलोंग टू ओपन ओशन, इसको ओपन ओशन कहा गया है, और कोई भी कंट्री इंडिविजुअल तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना, विदाउट कंकरेंस ऑफ ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी बगैर मर्जी के कोई भी कंट्री निजी तौर पर उस ऐसे सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना, जिस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिन अलगवानी सोर्सेज इसको कहा जाता है, पूरे राष्ट्र, है ना, ये वर्ल्ड का समझो उस पर अधिकार होता है, तो दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज।